बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इमरान खान साहब और उनके काफ़िले के ऊपर, उनके कंटेनर के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उस हवाले से मुख्तलिफ इनकशाफात, मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर आपको नज़र आते रहते हैं। डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से जो अपडेट्स मौसूल हुई है, मीडिया को जो मालूमात फराहम की जा रही है शौकत खानम हॉस्पिटल से, क्योंकि डायरेक्टली मीडिया की उस वार्ड तक अप्रोच नहीं है। कुछ छोटे मोटे क्लिप्स जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये वहाँ से निकल रहे हैं, सामने आते हैं, लेकिन किसी रिपोर्टर की, किसी मीडिया के नुमाइंदे की वहाँ पर एक्सेस नहीं है। मैं अपने तौर पर भी शौकत खानम हॉस्पिटल गया, लेकिन मीडिया के लोगों को वहाँ पर एक्सेस नहीं दी जा रही, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पहली जो इब्तदाई रिपोर्ट है इसके मुताबिक इमरान खान साहब को दो गोलियां लगी है, एक दाएं पांव पर और एक लेफ्ट साइड पर लगी है। बहरहाल उनका इलाज जारी है और उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। अब तक एक शख्स की शहादत हो चुकी है, वो मौके पे हुई, वो भी इमरान खान साहब की जमात के पीटीआई के एक कारकुन थे, मुअज़्ज़म उनका नाम था, और जिस वक्त उनको गोलियां लगी और सब लोग वहाँ से, जाहिर सी बात है, अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे हो रहे थे, तो उनके दो बच्चे उनकी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, मतलब सदा लगा रहे थे कि हमारे बाप को क्या हुआ है, अबू आप उठ जाएँ। बहुत अफसोसनाक मनाजिर थे। किसी भी सियासी जमात पर इस तरह के हमले जो है वो किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं हो सकते, किसी भी इंसान को। अब बात करते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। इस हमले के फौरन बाद हमने देखा कि एक मुबैना हमला आवर जो वीडियो में नज़र आता है और जिस टाइम वो फायरिंग कर रहा था, उसी वक्त पीछे से एक शख्स ने जो पीटीआई का कारकुन था, इब्तिसाम या इब्साम कुछ उसका नाम है, जियो पर भी उसके इंटरव्यूज चलाए जा रहे हैं, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार जाकर दबोच दिया, और उसके हाथ में जो पिस्टल है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है, और उसी हमलावर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं कि उसका एक इकबाली जुर्म, यानी उसका जो बयान है, वीडियो बयान, वो टीवी के ऊपर नशर किया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये बयान पीटीवी के ऊपर भी चलाया जाता है, हालांकि पीटीवी पर इमरान खान साहब या पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो विक्टिम बने हैं, जिनको निशाना बनाया गया है, उनका किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिखाया गया। पहले बयान में इस मुल्ज़िम ने, इस हमलावर ने क्या बात की, एक मरतबा आप सुन लीजिए, इसके बाद मैं दोबारा आपको सुनाता हूं कि इसके बाद मुबैना हमलावर की जो दूसरी वीडियो जारी की जाती है और वो भी पीटीवी पे नशर की जाती है, उसमें मुल्ज़िम क्या कहता है, इन दोनों बयानात में क्या फ़र्क है। ये तुमने क्यों ये सोचा, ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना, अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया, दिन से सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिससे लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। तो पहली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, इसमें मुल्ज़िम जो है वो ये इकरार कर रहा है कि इमरान खान साहब नमाज के टाइम में जो है वो म्यूज़िक वगैरह चलाते थे और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने एकदम से इरादा बनाया, बल्कि मैं प्लांटेड नहीं था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि एकदम से मेरा दिमाग बदल गया और मैं लाहौर से, इसी वीडियो में ये बात कर रहा है कि मैं लाहौर से चार दिन पहले इस मार्च के साथ चला था और मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ और मैंने जाकर इमरान खान साहब पर फायर खोल दिए। एक तो ये बयान हो गया है, हालांकि ये बयान भी आप देख सकते हैं कि साफ लग रहा है कि बेचारे को सिखाया गया है, इमरजेंसी में उसको बताया गया है, उसको समझाया गया है कि भाई तुमने ये बयान देना है, साफ लग रहा है। दूसरा बयान जब मुल्ज़िम का आता है उसमें मुल्ज़िम ये बात करता है कि इमरान खान साहब जो है वो 14वीं सदी के नबी होने का, नाउज़ु बिल्लाह, नबी होने का दावा करने वाले थे, वो दावा कर रहे थे। ये वाली वीडियो आप एक मरतबा ज़रा देख लीजिए, दूसरा बयान मुल्ज़िम का क्या है, उसमें वो क्या कहता है। उन्होंने भी इसराइल ने तस्लीम कर लिया। अच्छा, इसराइल ने तस्लीम करना मुसलमाना दा काम नहीं सर। क्यों? मुसलमान क्योंकि साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या एक काफर दूसरा काफर, क्या वो तुसी आपस दे भाई दोनों दोस्त हो ते वो गोया वो काफर ही हो गया उदे नाल दा। ठीक है, काफर नू काफर दोस्त बना सकदा, मुसलमान दोस्त नहीं बना सकदा, इस वजह ते सारे असी दोस्त बनाए, इमरान खान साहब भी दोस्त बनाए। ठीक है, ये चीज़ा नहीं अच्छियाँ समझदा मैं। जिस टाइम मैं फायर मारन लगा उदो मैं आख्या लब्बे की यार सुबह या मैं हाजिर हाँ सरकार, मैं हाजिर हाँ, मेरी आल औलाद हाजिर है, मेरे बीवी बच्चे भी थोड़े तो कुर्बान सरकार। ठीक
बस इस चीज का नारा मार के मैं ब्रेस्ट मार रहा सी। ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਐਪੀਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਹੀ ਕੀਤਾ मारना चाहता। मैं सदी चौदवी का नबी हां, मैनू मनो जिस तरह के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता है ना कौम च निकल के आवाम नू, इस तरह मैं तुहानू दे रहा पैगाम। तो फिर मेरा जमीर नहीं मनिया कि मैं इनू नबी बना, मेरा नबी आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही ने मेरी कलम टुट गई, मेरे अल्लाह ने त्रोड़ दी कलम जी दे नबूवत ने खत्म कर दी थी, मोर ला के आख्या कि बस नबी कोई नहीं आ सकता। ये किस तरह कह सकता मैं सदी चौदवी का जद्दे आजम? मैनू यह चीज अच्छी नहीं लगी। बस यह गल मेरे मेरे मोबाइल च भी बयान ने सर, तुसी सुन सकते हो किते बयान? इमरान खान एदे मुंह दे बोले होए लोक नहीं, तू किसी होर गल कीती कि यार ए अपने आप नू नबी कहंदा ते मैं करना नहीं सर। किसने मशवरा कीता? वैसे फोन ते भी जां कोई ओं जी किसे दे नाल कोई बंदा पुछदा गल कर रहा है, जिस तरह के हुण बिल फर्ज तुसी मेरे सलाम दवा लो यार। तो ये मुलजिम का दूसरा वीडियो बयान सुना जिसमें आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि ये इस वक्त इस वाकये को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाया जा रहा है। मुलजिम का ये कहना है इस दूसरे वीडियो बयान में जो पीटीवी पर भी नशर किया गया, ये मैं बार बार अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पीटीवी जो इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में है, वफाक के कंट्रोल में है, पीडीएम शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है, वहां पर मुलजिम के इकबाली बयान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका धरना या उनका वो बयान जब उनको गोली लगी उसके बाद किसी किस्म का उनकी पार्टी के रहनुमा का कोई बयान जारी नहीं किया गया। इस वीडियो में मुलजिम बता रहा है कि जनाब इमरान खान साहब नाउजुबिल्ला नबूवत का दावा करने वाले थे सदी चौदवी में, यानी चौदवी सदी बोलना था, जाहिर सी बात है जल्दी में उस बेचारे को याद कराया गया, जाहिल सा मुझे लग रहा है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको जल्दी में याद करवाया गया और उसे ये लफ्ज प्रॉपर बोला नहीं गया। उसने कह दिया सदी चौदवी के जो है ये नबूवत का दावा करने वाले थे, और मेरे पास इमरान खान के कुछ क्लिप्स भी मौजूद है। ये क्लिप्स कौन से हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। साथ में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन में या जो भी बंदा तफ्तीश कर रहा है उसने सवाल किया कि आप किस मौलवी को सुनते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसरार अहमद साहब, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब को सुनता था। अब मैं आपको मज़े की चीज़ बता दूँ इसके अंदर कि डॉक्टर इसरार अहमद का इस हवाले से, कत्ल के हवाले से, किसी को मारने के हवाले से, मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से आपको YouTube पर शायद ही कोई बयान मिले, अगर उनकी कोई किताबें मौजूद हैं, इसमें इस किस्म का कोई कंटेंट मौजूद ही नहीं होता। ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने इससे बयान लिखवाया है या बयान दिलवाया है या वीडियो बनवाई है उन जाहिलों को इतना नहीं पता कि डॉक्टर इसरार अहमद इन टॉपिक्स के ऊपर आमतौर पर गुफ्तगु नहीं किया करते थे, उनकी इस किस्म की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब आमतौर पर तो कुरान के ऊपर बात करते थे, कुरान की तफसीर पर, तर्जुमे पर बात किया करते थे, और वो कुरान की तफसीर के हवाले से ही बड़े फेमस थे। अच्छा, इसी मुलजिम से इसी वीडियो में ये भी सवाल किया गया कि क्या साद रिजवी का इसके पीछे क्या हाथ हो सकता है, मतलब ये बताने, ये उसके मुंह से उगलवाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस ने या जो तफ्तीश कर रहा है जो शख्स, उसने कहा कि आपके मोबाइल से साद रिजवी की वीडियोस भी मिली जो दो तहरीके लब्बई के सरबराह है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ साद रिजवी के कुछ क्लिप्स मुझे अच्छे लगते हैं, उसको मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर लेता हूँ। तो जब ये वाकया हुआ और मैंने इस पर पहली वीडियो जो उस वक्त बनाई, 3 या 3.25 मिनट की मेरी वीडियो थी, कल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था जब मुलजिम का बयान नहीं आया था कि इस वाकये को मजहबी इंतहा पसंदी का रंग दिया जाएगा। साद रिजवी के नाम के हवाले से अभी तक तहरीक लब्बई की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान नहीं जारी किया गया, आया कि तहरीक लब्बई का कारकुन था या नहीं था, अभी तक ये भी मालूम नहीं किया जा सका कि इसका ताल्लुक किस सियासी जमात से था। दूसरी अहम तरीन बात और अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त सूबा पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अभी तक एफ आई आर
नहीं काटी गई, अभी तक पर्चा नहीं दिया गया। और इमरान खान साहब ने अपना बयान जारी करवाया असद उमर के जरिए, मियां असलम इकबाल के जरिए। एक मरतबा ये बयान सुन लीजिए, उसमें वो ये क्या बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि तीन लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो तीन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राणा सनाउल्ला हैं, और वो मेजर जनरल फैसल हैं। तो असद उमर और मियां असलम इकबाल ने हमले के कुछ देर बाद जब इमरान खान साहब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने तीन लोगों के नाम लिए हैं, एक में जिसको वो डर्टी हैरी कहते हैं अपने मुख्तलिफ तकरीरों में, मेजर जनरल फैसल साहब, और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब, वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला साहब, इन तीनों का नाम लिए। आया कि अब हम देखते हैं कि इन तीनों के नाम FIR में डाले जाते हैं या नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ राणा सनाउल्ला और शहबाज़ शरीफ के नाम डाले जाते हैं तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। फिर ये कि इमरान खान साहब ने जो पहला बयान दिया था वो झूठा था, या असद उमर झूठ बोल रहे थे, ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसके अलावा तो कोई इसका हल नहीं है। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जियो न्यूज़ जो है और जियो न्यूज़ के जितने भी सहाफ़ी है वो इस वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुल्ज़िम ने अपनी वीडियो बयान में ये भी कहा कि मैंने उस वक्त लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो है नारा भी बुलंद किया जब मैंने उस इमरान खान साहब पर अपने फायर किए। तो आप इससे खुद ब खुद समझ सकते हैं कि ये सारी प्लांटेड कहानी है, और बिल आखिर ये आप देखेंगे कि एक दो वीडियोस एक दो दिन बाद ये कह देगा कि जनाब मेरा ताल्लुक तो तहरीक लब्बैक से है और मैं ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, इमरान खान जो है वो दावा नबूवत कर रहे थे तो मैंने जनाब उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, इस वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि ये चूंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात रखता है, और जो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखता है काफिरों के साथ ताल्लुकात रखता है, कुरान में ये लिखा है कि जनाब आप उसको जाकर कत्ल कर दो। मतलब इसके कुरान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इसको देख कर भी कुरान शायद ही पढ़ना आता हो, लेकिन तर्जुमा तो खैर और तफसीर तो खैर वो बहुत बात की बात है, लेकिन इसको देख कर भी कुरान नहीं पढ़ना आता। आप जियो न्यूज़ की ये दो खबरें अभी देखें, अभी इन्होंने जारी किए एक ख्वाजा आसिफ के ज़रिए एक राणा सनाउल्ला का बयान जारी किया कि ये जनाब मजहबी इंतहा पसंदी या जुनूनियत का वाक़या हो सकता है। तो इस वाक़े को टोटली जो है आप देख रहे हैं कि ख़राब किया जा रहा है, इस कातलाना हमले को मजहबी रंग दिया जा रहा है। ये पेशन गोई हम कल कर चुके थे, कल मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, और अब भी बहुत सारे जो सहाफ़ी है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस वाक़े को मजहबी रंग देने की भरपूर तैयारी की जा रही है। आप देखते हैं कि जैसे ही PTV पर वीडियो नशर की जाती है इस मुलज़िम की, उसी वक्त जियो के जो सहाफ़ी है उनके पास भी वीडियोस होती है, और वो लोग वो वहाँ पर जाकर ट्वीट कर देते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। तो इन सब की टाइमिंग जो है बिल्कुल सेम होती है। तो इससे साफ अंदाज़ा होता है कि जियो न्यूज़ के सहाफ़ी, हुकूमत पाकिस्तान जो है इस कातलाना हमले को दबाने के लिए इसको मजहबी रंग दिया जाएगा कि जनाब ये इंतहा पसंदी का वाक़या है, ये जुनूनियत का वाक़या है। आखिर में बड़ी अहम तरीन बात, जो उस कंटेनर पर फायरिंग के वक्त DJ मौजूद थे उन्होंने बयान एयरवाई न्यूज़ को दिया कि मैंने छोटा पिस्तल नहीं देखा, मतलब वो हमलावर जो गिरफ्तार है उसको तो मैंने नहीं देखा, अलबत्ता सामने वाली छत की बालकनी जो है या टेरेस है वहाँ पर एक शख्स को देखा जिसके पास बड़ी राइफल या मशीन गन या ऑटोमेटिक गन या जिसको आप कलाशनकोव कह सकते हैं वो उसके पास मौजूद थी। तो इस वाक़े की तहकीकात की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत की बनती है, और इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर पंजाब हुकूमत ही खुद इस तरह की वीडियोज़ जो है वहाँ से रिलीज़ करवा रहे हैं, और कल वज़ीर आला साहब जो है हमारे परवेज़ राय साहब उन्होंने एक ड्रामा किया कि जनाब सारे थाने को मुअत्तल कर दिया, सबसे मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, सबके फ्रांसिक होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो ये सब कुछ जो है ड्रामेबाजी चल रही है, और ये ड्रामेबाजी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए की जा रही है जिनका नाम असद उमर ने लिया, मेजर जनरल फैसल साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, और हम सब पाकिस्तानियों का ये यकीन होता है कि जनाब पाक फ़ौज के किसी जनरल से किसी मेजर से कभी भी किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती। ये हम सब लोगों का मानना होता है, क्योंकि आम तौर पर अगर आप इनकी गलती को हाईलाइट करते तो आप गद्दार बनाए जाते हैं। तो मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि इस मामले को मजहबी इंतहा पसंदी का रंग दिया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, तहरीक लब्बैक के सरबराह को उनको रगड़ा जाएगा, और उसके बाद FIR अगर दर्ज होती है तो इस FIR के अंदर जो सरकारी मुलाजिम है, जो बावर्दी शख्सियत है, जो पाक फ़ौज के ऑफिसर है मेजर जनरल फैसल, उनको इस FIR से फारिग किया जाएगा। जो भी इसमें अपडेट आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आप लोगों की जो भी राय हो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।